इस्लाम के नाम पर जिहादी बनने की चाहत, कम वक्त में अमीर बनने का ख्वाब, लेकिन दिल और दिमाग में दहशत से भरा एक मॉड्यूल जहां देश को दहलाने की साजिश रची जा चुकी थी। नमस्कार, मैं विजेंद्र सोलंकी और आज हम आपको दिखाने वाले हैं 11 घंटे की उस कॉप से भरी हर पल की तस्वीरें जहां पूरे देश की निगाहें रात के 3 बजे तक राजधानी लखनऊ पर टिकी थी, क्योंकि एनकाउंटर की गूंज सिर्फ सूबे की राजधानी लखनऊ में नहीं बल्कि देश की धड़कन कही जाने वाली दिल्ली तक सुनाई दे रही थी। और आज हम आईएसआईएस के पहले हमले से जुड़ी महापड़ताल दिखाने वाले हैं, जहां यूपी पर थी बगदादी की काली नजर, जिसके खुरासान प्लान का खाका बर्बाद हो गया है। आईएसआईएस के मॉड्यूल इंडिया का हुआ सनसनीखेज खुलासा। लोन वुल्फ के जरिए हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश। हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर खुफिया एजेंसियों की पैनी नजर। खूंखार आतंकियों के निशाने पर हिंदुस्तान के नामी शहर। निशाने पर था हिंदुस्तान की लाइफलाइन। बंद कमरे में बनाया गया था दहशत का रोड मैप। कागज पर उकेरा गया आतंक का होमवर्क। अब की होली को रंगहीन बनाने की थी पूरी साजिश। दहशत के गुबार से होली को करने वाले थे रक्त रंजित। बम धमाकों से हिंदुस्तान को दहलाने की नापाक साजिश नाकाम। एटीएस ने उखाड़ फेंके आतंक की नापाक जड़ें। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश तक आतंकी साजिश से खलबली। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हाई अलर्ट पर हिंदुस्तान। देश की तमाम एजेंसियां एडी चोटी का जोर लगा रही थी, क्या जो सीक्रेट इनपुट उन्हें मिले हैं वहां मध्य प्रदेश ट्रेन हादसे के तार सुबह उत्तर प्रदेश के कई जिलों से जुड़े हैं। एक तरफ अंतिम चरण के चुनाव को देखते हुए सियासी तैयारियां चल रही थी तो दूसरी तरफ खुफिया एजेंसियों की नींद हराम हो चुकी थी। राजधानी में मंडराए आतंक के बादल। सूबे की कानून व्यवस्था ने कसी कमर। एटीएस का ऑपरेशन जिंदा आतंकी नाकाम। जब राजधानी में पड़ा आतंक का डेरा।
यूपी एटीएस ने आतंकियों को घर में घेरा। सात मार्च 2017 की ढलती दोपहर, घड़ी की सुई जैसे 4:15 पर जाकर ठहरी। राजधानी लखनऊ की पुलिस ही नहीं बल्कि सुरक्षा एजेंसियों समेत खुफिया एजेंसियों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। जो खबर मिली थी वो बेहद ही हैरान करने वाली थी, लेकिन उस पर मुहर लगनी बाकी थी। भरी दोपहरी में जब सब कुछ सामान्य चल रहा था, तो उस वक्त यूपी पुलिस एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन के आधार पर एक ऐसे ऑपरेशन के लिए कमर कस चुकी थी जहां पुलिस किसी भी सूरत रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मकसद साफ था कि आतंक के उस गुर्गे को हर हालत में जिंदा पकड़ना था। पुलिस जानती थी कि थोड़ी सी भी लापरवाही मिशन को नाकाम बना सकती है, लेकिन एटीएस ने अपनी जान की परवाह किए बगैर जान की बाजी लगा दी और उस चैलेंज को तोड़ने का फैसला कर लिया। जहां एटीएस के लिए चुनौती था ऑपरेशन जिंदा आतंक। हमको एक सूचना मिली थी कि यहां पे आईएसआईएस रिलेटेड एक ग्रुप बन रहा है और उससे संबंधित एक सस्पेक्ट हो सकता है। इस सूचना पे हमने यहाँ पे घेराबंदी की और सस्पेक्ट को सरेंडर करने के लिए बताया, लेकिन उसने हमारे ऊपर फायर किया। लेकिन हमने इस जगह की घेराबंदी की और कई घंटे हमने हर संभव प्रयास किया कि इसको जीवित हम गिरफ्तार कर पाए। चौकसी ऐसी कि परिंदा भी पर न मार सके। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके के हाजी कॉलोनी को छावनी में तब्दील किया जा चुका था। मौका वारदात पर लोडेड पिस्टल के साथ कदम ताल करते जवान और उनके तेज तर्रार आला अफसर हर एक कदम फूक फूक कर रख रहे थे। इस दरमियान आतंकी के ठिकाने से उसके नापाक साजिश की बू आने लगी। फिर क्या था, आतंक के तमाम नापाक इरादों को चकनाचूर करने पहुंची जवानों की टीम ने आतंकी के उस ठिकाने को चारों तरफ से घेर लिया। पूरे टैक्टिक्स का प्रयोग करते हुए कोशिश की कि इस व्यक्ति यानी सैफुल्ला को जीवित पकड़ा जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। प्रयास में हम लोगों ने चिली बॉम्ब्स, टीयर गैस शेल्स, इनका भरपूर प्रयोग किया, लेकिन तमाम प्रयास करने के बाद भी ये बाहर नहीं निकला। राजधानी लखनऊ समेत पूरे देश में आतंक की साजिश की आग फैल चुकी थी। लिहाजा एहतियातन पुलिस ने आसपास के मकानों को खाली करवाया। घटनास्थल के आसपास स्थानीय लोगों की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी। मीडिया कर्मियों को दूर रहने की हिदायत दी गई। इस कड़ी में एक के बाद एक सूबे की राजधानी के अलावा दो और प्रमुख जिलों से आतंकियों की गिरफ्तारी की पक्की खबर मिली। कानपुर से फैजान नाम के एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया। इसके ठीक बाद फैजान के भाई इमरान को उन्नाव से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और एक आतंकी सैफुल्ला की गिरफ्तारी की लखनऊ में कई घंटों तक जद्दोजहद जारी रही। तकरीबन 3 घंटे बाद आतंकी के ठिकाने के बाहर बेसब्र निगाहों का जमावड़ा लग चुका था। आतंकी और पुलिस के बीच हुई फायरिंग पूरा इलाका दहशत से भरा था। पुलिस की तरफ से काउंटर फायरिंग के साथ साथ आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे थे ताकि आतंकी को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया जाए और वो घुटने टेक अपने आप को सरेंडर कर दे। लेकिन उसका इरादा तो कथित जिहादी था जो आतंक के नाम पर मर मिटने को तैयार था। जब कोई विकल्प नहीं बचा तो फिर कमांडोज ने स्टॉर्मिंग ऑपरेशन किया अंदर, और जब हम लोग ने रूम एंट्री की तो इसने हमारे ऊपर फायर किया। हम लोग ने भी प्रत्युत्तर में इसको फायर किया और लगभग 4 या 5 गोलियां इसको लगी और सैफुल्ला नाम का व्यक्ति वहां पे मारा गया। आतंक के ठिकाने से आंसू गैस के धुएं के बीच से बस एक ही आवाज आ रही थी, मर जाऊंगा लेकिन सरेंडर नहीं करूंगा। लेकिन एटीएस का मकसद था ऑपरेशन जिंदा आतंकी, और इसी कोशिश में आंसू गैस के बाद आतंकी को काबू में करने के लिए चिली बम भी फेंके गए। छत और दीवारों में सुराख बना दिए गए, ड्रिलिंग मशीन का सहारा लिया गया कि आतंकी सैफुल्ला के साथ और कितने खूंखार आतंकी मकान के भीतर छुपे हुए हैं। इस पशुपेश में पड़े एटीएस के आला अफसर यही मानकर चल रहे थे कि मकान में एक या फिर दो आतंकी हो सकते हैं, लेकिन जान जोखिम में डाले बगैर इस बात का जवाब नहीं मिल सकता था। फायरिंग आतंकी की तरफ से भी लगातार हो रही थी। इसके परिवार से बात कराई फोन मिला करके, इसको लगातार हमने काउंसिल किया, नेगोशिएट किया इसके साथ में,
जब नई बात बनी तो फिर हमने चिली बॉम्ब और टीयर गैस जैसे केमिकल्स यूज किए इसको स्मोक आउट करने के लिए, लेकिन ये सारी टैक्टिक्स हमारी सफल नहीं हुई और ये अंदर से लगातार फायर करता रहा। वक्त जैसे जैसे गुजर रहा था, देश की तमाम एजेंसियों की सुगबुगाहट के साथ साथ लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इस ऑपरेशन की पल पल की खबर से गृह मंत्रालय को अपडेट किया जा रहा था। खुद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जो भी पुलिस के संपर्क में बने हुए थे, खुद पीएमओ से प्रधानमंत्री इस ऑपरेशन की पल पल की अपडेट ले रहे थे। इन्फॉर्मेशन यही थी कि एक आतंकी है, लेकिन जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा हम लोग के पास में छोटे ट्यूब कैमरास हैं, उससे हमने देखने का प्रयास किया तो बहुत क्लियर इमेज नहीं आती है उससे। उससे हम लोग को लगा कि शायद दो लोग हैं और हम दो लोग ही मान करके चल रहे थे, लेकिन जब सर्च एंड क्लियर ऑपरेशन हुआ तो अंदर एक व्यक्ति की ही लाश मिली। खौफ से भरी दोपहर कब देर रात में तब्दील हो गई पता ही नहीं चला, लेकिन हाँ 11 घंटे चले इस एनकाउंटर में पूरे देश की धड़कनें तेज हो चुकी थी। हर किसी की नजर इसी पर टिकी थी कि क्या एटीएस और राजधानी पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन रंग लाएगा, क्या आईएस का आतंकी जिंदा दबोचा जाएगा। देर रात के 3 बज चुके थे, इलाकाई चहलकदमी बढ़ती ही जा रही थी और पुलिस के लिए सिरदर्द यही था कि किसी भी तरह से आतंकी सैफुल्ला को उसके बिल से बाहर निकाला जाए। जितना वेपन और एमुनिशन यहाँ से बरामद हुआ है ये निश्चित रूप से गंभीर बात है, लेकिन समय रहते ये ऑपरेशन हुआ और एक बड़ा खतरा इसके जरिए टल सका है। अगर हम इसको जिंदा गिरफ्तार करते तो हम और खुश होते, क्योंकि एक मौत से बच सकते थे और बहुत सारी हमको नॉलेज इससे मिलती, लेकिन हमने हर संभव प्रयास किया और जब कोई हल निकला तो हमारे कमांडोज बहुत ट्रेंड हैं, उन्होंने ऑपरेट किया, किसी भी कमांडो को इंजरी नहीं हुई और हम लोग इसको मार गिराए। ताबड़तोड़ फायरिंग के बीच पुलिस काउंटर फायरिंग कर रही थी, तभी इलाके के रहने वालों ने एक सन्न कर देने वाली खबर बताई, जिसे पुलिस निकालने की जीतोड़ कोशिश में जुटी थी। वो 4 महीने से खुद को स्टूडेंट बताकर बतौर किरदार ठहरा था, लेकिन अंदर वो क्या करते थे इसकी भनक किसी को नहीं थी और जब तस्वीरें साफ तो देश दंग रह गया। आप भी देखिए आतंक के आका खूंखार बगदादी की लोन वुल्फ को एटीएस ने कैसे ढेर कर दिया। आतंकी साजिश रचने वाला ये वही सैफुल्ला है जिसे जिंदा दबोचने की कोशिश नाकाम साबित हुई। जवाबी फायरिंग के दौरान उसके जिस्म में बहता गंदा लहू बहा दिया गया। कुल मिला के 8 वेपन्स मिले इनके पास से, 600 कारतूस और काफी कैश मिला है और सोना और अन्य जो बॉम्ब बनाने के मटेरियल हैं ये सब मिले हैं। इससे निश्चित रूप से पता चलता है कि इनके डिजाइन्स बड़े निफेरियस थे और चूंकि अब ये पूरा का पूरा जो मॉड्यूल है ये ध्वस्त हो चुका है, तो एक ये अब हमारा मुख्य रोल ये है कि हम जितने भी लोग पकड़े गए हैं उन सब की प्रॉपर इंटरोगेशन करके इसकी डेप्थ तक जाएं और ये देखें कि ये कहां से फाइनेंस हुआ। बीकॉम कर चुके सैफुल्ला के किराए के कमरे से 650 जिंदा कारतूस, बड़ी तादाद में विस्फोटक सामान, कैश, गोल्ड, कई अर्धनिर्मित बम, 8 रिवॉल्वर, कई मोबाइल, सिम कार्ड, हिंदुस्तान का नक्शा, रेलवे का टाइम टेबल, पासपोर्ट और आईएसआईएस का फ्लैग बरामद किया गया। रही बात दीवार पर चस्पा शेड्यूल की, तो ये हैंडराइटिंग सैफुल्ला के थी, जिससे यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो पढ़ा लिखा था और खास बात उसका हर काम निर्धारित था कि कब कब उसे क्या करना है। सुबह के नाश्ते से लेकर रोजमर्रा की 5 वक्त की नमाज का वक्त भी निर्धारित था, लेकिन उसके नापाक मंसूबों के सामने उसकी मौत भी निश्चित थी। अभिषेक सिंह, लखनऊ, समाचार प्लस। एक तरफ जहां यूपी एटीएस और प्रदेश की पुलिस प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आतंकी सैफुल्ला के किले को भेदने में लगी थी, तो वहीं दूसरी तरफ कानपुर में भी एक टीम गिरफ्तार आतंकियों से हुई पूछताछ के आधार पर छापेमारी कर रही थी। लेकिन छापेमारी में जो बातें सामने आई वो काफी चौंकाने वाली थी, देखिए इस रिपोर्ट में। आतंकियों का हब बन रहा है ईस्ट का मैनचेस्टर।
औद्योगिक नगरी में उद्योग धंधे या आतंक के अड्डे। सत्ताईस मार्च को थी यूपी को दहलाने की साजिश। पूरा प्रदेश एक हो जहां सियासी पारे की तपिश में झुलस रहा था, नेता से लेकर जनता तक बीते एक महीने की चुनावी शोर से राहत मिली थी। हालांकि विधानसभा चुनाव के आखिरी यानी सातवें दौर का मतदान होना अभी बाकी था कि तभी प्रदेश की खुफिया एजेंसियों को मिली एक इन्फॉर्मेशन ने उनके पैरों तले से जमीन ही खिसका दी। और इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर एजेंसियां और प्रदेश की पुलिस ने लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में जब दबिश दी तो उनके होश फाख्ता हो गए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सही थी और ये इन्फॉर्मेशन थी प्रदेश के आतंकियों के अड्डे की। पुलिस ने जैसे ही ठाकुरगंज स्थित आतंक के इस अड्डे पर दबिश दी, आतंकियों ने अपने नापाक इरादों से पुलिस को अवगत करा दिया। लेकिन पुलिस हर हाल में आतंक के इस अड्डे से जिंदा सबूत इकट्ठा करना चाहती थी। लेकिन आतंक का महज सिर्फ एक ही ये अड्डा होता तो पुलिस को थोड़ी राहत भी मिल जाती। और एक ओर जहां पुलिस राजधानी स्थित आतंक के इस किले को भेदने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के एक और प्रमुख जिले में एटीएस और पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन जारी था। और वो शहर ईस्ट का मैनचेस्टर कहे जाने वाला जिला कानपुर। जी हाँ, आईएसआईएस के जिस खुरासान मॉड्यूल का खुलासा इस ऑपरेशन में हुआ, उस मॉड्यूल में शामिल अधिकतर आतंकी जिला कानपुर से ही ताल्लुक रखते हैं। आतिश मुजफ्फर उर्फ अल कासिम निवासी कानपुर, जीएम खान निवासी कानपुर, मोहम्मद दानिश अख्तर उर्फ जफर निवासी अलीगढ़, अजहर खलीफा निवासी कानपुर, मोहम्मद सैफुल्लाह निवासी कानपुर, मोहम्मद फैसल खान निवासी कानपुर, मोहम्मद सैफुल्लाह का भाई मीर हुसैन उर्फ हमजा खान निवासी कानपुर, इमरान निवासी कानपुर, फकरे आलम उर्फ रिशु निवासी भरतना इटावा, रॉकी रानावत निवासी बसरेहार इटावा। इन आतंकियों में शामिल इटावा के रहने वाले फकरे आलम उर्फ रिशु और रॉकी कानपुर के रहने वाले अजहर खलीफा के जरिए अपने आका आतिफ मुजफ्फर तक हथियार पहुंचाने का काम करता था। प्लान के तहत दहशत फैलाने के लिए दो हथियार पहुंचाया भी जा चुका था, जबकि तीन अभी अंडर प्रोसेस थे। उज्जैन भोपाल पैसेंजर में हुए धमाके के बाद एमपी पुलिस ने तीन संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। उनमें से एक आतंकवादी कानपुर का बताया गया, जिसकी निशानदेही पर कानपुर की पुलिस और यूपी की एटीएस टीम ने आकर के यहां पर जाजमऊ इलाके में आकर के दबिश दी। और यहां पे कल शाम 4 बजे से जो है पूछताछ चल रही है। अंदर यहां पे जो फैजल नाम का जो संदिग्ध आतंकवादी है, जो यहां से एटीएस टीम उसको उठा ले गई, उसकी निशानदेही के बाद लखनऊ में बराबर प्रॉपर आतंकवादी से घटना फायरिंग होती रही, जिसमें सैफुल्लाह नाम का एक आतंकवादी मारा भी गया, जिसकी निशानदेही कानपुर की बताई जा रही। साफ है आतंक के इस खुरासान मॉड्यूल में शामिल जिन 10 आतंकियों का खुलासा हुआ, उसमें से 7 आतंकियों का ताल्लुक कानपुर से ही है। आतिश मुजफ्फर उर्फ अल कासिम निवासी कानपुर, जीएम खान निवासी कानपुर, अजहर खलीफा निवासी कानपुर, मोहम्मद सैफुल्लाह निवासी कानपुर, मोहम्मद फैसल खान निवासी कानपुर, मोहम्मद सैफुल्लाह का भाई मीर हुसैन उर्फ हमजा खान
निवासी कानपुर, इमरान निवासी कानपुर। ऑपरेशन एक इनपुट के आधार पर शुरू हुआ और फिर उसी हिसाब से ये आगे बढ़ रहा है। ये कई जनपदों में ये ऑपरेशन हमारा चल रहा है, कानपुर में हमें सफलता मिल चुकी है। कानपुर को आतंक का हब बनने की बात की तस्दीक इस बात से भी होती है कि इस मॉड्यूल में शामिल कानपुर के सातों आतंकियों में दो की गिरफ्तारी कानपुर स्थित उनके घरों से। कानपुर से पकड़े गए इमरान और फैसल के पास से आईएसआईएस से जुड़े होने के कई जिंदा सबूत मिले। उनके पास से आईएसआईएस से जुड़े वीडियो और कई प्रतिबंधित साहित्य भी बरामद किया गया है। जबकि लखनऊ में मारे गए सैफुल्ला के जाजमऊ इलाके में बने इस घर पर जब पुलिस ने दबिश दी तो वहां से भी दहशत फैलाने से जुड़ी कई और चीजें बरामद। इसके अलावा कानपुर के ही रहने वाले अजहर नाम के संदिग्ध की गिरफ्तारी के लिए जब कानपुर स्थित उसके घर पर पुलिस ने दबिश दी, उससे पहले ही वो वहां से फरार हो गया। अजहर की गिरफ्तारी के लिए पूरे जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इधर सूत्रों की माने तो एटीएस, प्रदेश पुलिस और खुफिया एजेंसियों से पूछताछ में इमरान और उसके भाई फैसल ने आतंकी संगठन सिमी और आईएसआईएस से जुड़े लोगों से रिश्ते होने की बात भी कबूली। यूपी एटीएस और कानपुर की पुलिस द्वारा फैजान और इमरान को गिरफ्तार किए जाने के बाद जब फैजान ने अजहर का नाम लिया, संदिग्ध आतंकवादी बताया, तो जिसके बाद पुलिस ने बगैर तैयारी करे हुए ही यहां जनता मार्केट में आकर के तुरंत छापा मारा। ये अजहर की दुकान है, आप देख सकते हैं कि अजहर इसी दुकान से मोबाइल एसेसरीज का काम करता था और आईएसआई के उससे जो है नेटवर्क से भी जुड़ा हुआ है, जिसके चलते हुए जो आतंकवादी का जो कल मुठभेड़ हुई उसमें अजहर का नाम निकल के आया। मौके पर पुलिस पहुंचती है और असीब दुकान से अजहर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसके बाद यहाँ की भीड़ ने अजहर को छुड़ा करके उसे यहाँ से भगा दिया, जिसके बाद से एटीएस और पुलिस की टीम जो है पूरी तरीके से दबिश डाल रही है, जानकारी कर रही है, लेकिन अभी तक अजहर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली। अजहर अपने दो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था, एक मोबाइल उसका स्विच ऑफ जा रहा, दूसरा मोबाइल लगातार बेल बज रहा है। यहाँ पे पुलिस मान रही है कि शायद हो सकता है वो मोबाइल उसके दुकान में छूटा हो। लगातार यहाँ पे जो पुलिस की टीम है वो बैठी हुई है, पूरी तरीके से जो है सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम करेंगे कि देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो पुलिस अजहर के बारे में अगर कोई जानकारी आती है तो उसको लेकर के जो है पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। कैमरामैन देव पांडे के साथ अश्विनी निगम, कानपुर, समाचार प्लस। सैफुल्ला के एनकाउंटर के दौरान उसके भाई इमरान और फैसल के खिलाफ एटीएस ने कानपुर में एक्शन लिया तो बेहद चौंकाने वाले राज से पर्दा उठा, लेकिन उनका एक साथी पुलिस को चकमा देने में कामयाब हुआ। लेकिन बारी आई सैफुल्ला की लाश को कबूल करने की तो उसके परिवार ने उसे लेने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन क्यों, ये रिपोर्ट देखिए। भोपाल पैसेंजर में हुए धमाके के बाद एमपी पुलिस ने तीन संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। उनमें से एक आतंकवादी कानपुर का बताया गया, जिसकी निशानदेही पर कानपुर की पुलिस और यूपी की एटीएस टीम ने आकर के यहां पर जाजमऊ इलाके में आकर के दबिश दी और यहां पे कल शाम 4 बजे से जो है पूछताछ चल रही है। अंदर यहां पे जो फैजल नाम का जो संदिग्ध आतंकवादी है, जो यहां से एटीएस टीम उसको उठा ले गई, उसकी निशानदेही के बाद लखनऊ में बराबर प्रॉपर आतंकवादी से घटना फायरिंग होती रही, जिसमें सैफुल्ला नाम का एक संदिग्ध आतंकवादी मारा भी गया। सैफुल्ला के मारे जाने के बाद वारदात की दूसरी सुबह यानी 8 मार्च 2017 की सुबह कानपुर के जाजमऊ इलाके में स्थित इस मकान के बाहर हमारे संवाददाता ने जायजा लिया कि इस ऑपरेशन को लेकर वहाँ की फिजाओं में किस बात को लेकर चर्चा है, वहाँ की आम जनता क्या सोचती है। सैफुल्ला और उसके भाइयों के बारे में यकीन कोई नहीं कर पा रहा था कि कल तक जो लड़के पढ़ाई लिखाई करने में जुटे थे वो इस तरह की देशद्रोही साजिश में शामिल होंगे, अपने ही परिवार की परवरिश का गला घोंट देंगे। यकीन मानिए, सैफुल्ला के बारे सरताज ने अपने आतंकी बेटे की लाश को लेने से इनकार कर दिया। जो देश का ना हुआ भला वो किसी परिवार का क्या होगा। ऐसे बेटे की मौत पर अश्क बहाना किसी देशद्रोह से कम नहीं। देखिए, एक चीज ये थी कि 2.5 महीने पहले जब ये हमको बहुत बहुत कहा करते थे कि ऐसा है कि भाई तुम जो है काम किया करो, काम किया करो, वो सुनता नहीं था, वो अपने दोस्तों के साथ
ज्यादातर बाहरी रहते थे, घूमने निकल गए, देर लेट आवर्स में आते हैं, 10 बजे आ रहे हैं, 9:30 बजे आ रहे हैं, ये हमको पसंद नहीं है। तो उसमें हम थोड़ा सा नाराज इनसे रहने लगे। एक दिन ये हुआ कि फिर हमने जब काम में नहीं करने जाने लगे तो हमने इनकी पिटाई कर दी और बहुत डांटा और मारा भी। जब मारा उन्हें तो फिर ये हुआ कि हम चले गए दूसरे दिन सुबह ड्यूटी, शाम के जब लौट के आया पता चला कि वो यहाँ से भाग गए। सरताज अहमद ने अपने तीनों बेटों की परवरिश बड़े शान शौकत से की, किसी की पढ़ाई और खान पान कोई कमी नहीं रखी। लेकिन होश संभालते ही सैफुल्ला ने अपने वालिद की एक न सुनी कि वो उसके बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं। पिता सरताज ने कई मर्तबा सैफुल्ला को सुधर जाने की नसीहत दी, गलत संगति छोड़ने की बात कही, लेकिन उसने अपने पिता की एक न सुनी। यही कारण था कि जब सरताज ने अपने बेटे सैफुल्ला की पिटाई की तो उसने न सिर्फ घर छोड़ने का फैसला कर लिया बल्कि रातों रात अमीर बनने की चाहत ISIS के नेटवर्क से जुड़ गया, जिसने तकनीक का सहारा लेकर आतंक के अकाउंट से संपर्क साधा। एक लैपटॉप में उस खौफ का खाका तैयार किया जहां कई बेगुनाहों का क्लोजिंग चैप्टर लिखा जा चुका था। नहीं लेंगे, इसकी वजह यही है कि देखिए ऐसा है कि उसने कभी हमारा कहना नहीं माना। और कभी क्या है देखिए ढाई में पहले तो सब काम पहले तो बहुत सही था, पहले तो बिल्कुल सही था, लेकिन इधर बीच में हमने रोका उसको जो पजाओ जो था, तो हम बहुत चुड़ गए थे उससे, इतना चुड़ गए थे कि हमें फिर जो है बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई हमें। हमने कहा ऐसा है कि अगर ये बगैर बताए हमसे जा रहे हैं तो आज से एक ये भी है कि वो जिस तरीके के काम में मुलव्वस पाए गए हैं जी वो वजह नहीं, हमको ये इसका इल्म नहीं था पहले, कभी नहीं। सैफुल्ला के पिता सरताज को इस बारे में अगर जरा भी भनक लग गई होती तो शायद सैफुल्ला समेत उसके सभी भाइयों के नापाक मंसूबों पर पानी फिर गया होता। लेकिन पिता की मार से बौखलाए बेटे सैफुल्ला ने अपने परिवार से रिश्ते तोड़ लिए, अपना जरूरी डॉक्यूमेंट लेकर कानपुर से भाग गया, जहां सैफुल्ला अपने भाई इमरान, फैजल और दानिश से संपर्क साधता रहा। लेकिन उसके भी माँ बाप अपने बेटों के बारे में कुछ नहीं जानते थे कि वो एक छोटी सी दुकान के भीतर किस आतंक के बीज को पानी दे रहे हैं। तरीके से उन्होंने किया है आपको लग रहा है बॉडी नहीं ले रहा है हाँ। सिर्फ एक वजह यही है, इसकी एक वजह यही है कि जो आदमी देश हित में काम ना करे तो वो हमारा बेटा नहीं हो सकता। इलाके का हर शख्स हैरान है, दंग है सैफुल्ला समेत उसके तीनों भाइयों की कारस्तानी सुनकर और देखकर कि वो एक ऐसे लड़के थे जो रातों रात अमीर बनने की चाहत देश की सरजमी पर लहू की नदियां बहाने निकल पड़े, इस्लाम के नाम पर देश से गद्दारी कर रहे थे, जो अपने ही देश के अमन को बर्बाद करने चले थे, भला उनका क्या जमीर होगा। लेकिन उनका दिमाग इस तरह से वॉश किया जा चुका था जिन्हें ना तो अंजाम की परवाह थी ना ही अपनी मौत की, वो तो लोन वुल्फ बन चुके थे। एमपी पुलिस की गिरफ्तारी के बाद आतंकी दानिश ने जब इस बारे में बताया कि कानपुर में उसका भाई फैजान और इमरान इस मामले में सम्मिलित थे, तो उसके बाद यूपी ATS और यूपी पुलिस ने दोनों ने मिल करके यहां पर छापेमारी करी, जिसमें जब फैजान और इमरान को गिरफ्तार किया गया उसके बाद से ही तुरंत ही उसके बाद यहाँ पर फैजान ने इस जो ATS को जानकारी दी कि कुछ लोग लखनऊ में छिपे हुए हैं। सैफुल्ला के एनकाउंटर के दौरान लगातार पुलिस वाले कानपुर में मौजूद उसके परिवार से संपर्क में थे कि एक बार सैफुल्ला अपने परिवार की बात सुन ले। लेकिन जिहाद के नाम पर मर मिटने का दावा करने वाला सैफुल्ला ने अपने ही भाई की आवाज को अनसुना कर दिया, जो अपने भाई सैफुल्ला की बात सुन यकीन नहीं कर पा रहा था कि जिसने आज तक चीटी नहीं मारी वो बम ब्लास्ट कैसे कर सकता है। लेकिन सैफुल्ला तो खूंखार आतंकी बगदादी का स्लीपर मॉड्यूल बन चुका था। उन्होंने मिला के फोन हमसे कहा कि क्या कहते हैं कि ऐसे ऐसे इनके ये पाए गए हैं और इनका क्या कहते हैं वो चल रहा है मामला, आप समझाइए। तो हैंड फ्री करके मोबाइल दिया गया उनको, वहाँ डाला गया होगा, हमसे यहाँ से कहा गया, हमने पूरी उनको समझाने की कोशिश करी करीब थोड़ा तो पूरा डिटेल्स बताइए क्या बात हुई थी हमसे बात उसने फोन ही नहीं रिसीव किया। अच्छा, हमने यहाँ से पूरा उसको बोलते रहे भाई सिलेंडर भाई आप लोग सिलेंडर भाई सिलेंडर कर दो ये है वो जे, जे, क्या, जो क्या, ये वो क्या आप पूरी बात कहा कि आप सिलेंडर कर दो ये गलत है नहीं यही सब कहा कि क्या कहते हैं गलत है तुम पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो क्या कहते हैं तुम ये कैसी हरकतों में आ गए हो ये सब पूरी बातें हमने उनसे समझाई बोली। फिर क्या कहते हैं हम अब हम तो अचानक हमको ऐसी खबर मिली थी कि हम आवाज ही नहीं निकल पा रही थी और रोना आ रहा था हमें। आतंकवादी सैफुल्ला ने ना तो अपने भाई की सुनी ना ही पुलिस वालों की, जन्नत पाने के ख्वाब में
जिहाद के नाम पर कुर्बानी का दावा करता रहा। एटीएस के जवान उसे घुटने टेकने पर मजबूर करते रहे और आतंकी सैफुल्ला तकरीबन 60 राउंड फायरिंग कर चुका था, जहां लखनऊ पुलिस और एटीएस के ज्वाइंट ऑपरेशन में यह फैसला लिया गया जिंदा या मुर्दा, जहां काउंटर फायरिंग के दौरान आतंकी सैफुल्ला मार गिराया गया। सैफुल्ला के पिता सरताज अहमद के जज्बे को सलाम, जिन्होंने अपने आतंकी बेटे की लाश को लेने से इनकार कर दिया, जिस बेटे ने पिता की परवरिश का मोल न समझा, जिस धरती की आबो हवा में पला बढ़ा लिखा पढ़ा, उसी धरती के कलेजे पर नश्तर मारने से नहीं कतराया, ऐसे आतंकी को तो दो गज जमीन भी नहीं मिलनी चाहिए। और इस बात पर एक परिवार की एक ही ख्वाहिश है, नहीं चाहिए आतंकी सैफुल्ला की लाश। सैफुल्ला बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं था। अचानक कल उनको जानकारी लगती है कि आतंकवादी जो मुठभेड़ हो रही है उसमें सैफुल्ला का नाम आ रहा है। वहाँ से पुलिस वालों ने यहाँ पे उनके भाई से बात भी कराई, लेकिन उधर से उनके भाई का कहना सैफुल्ला का कोई भी जवाब नहीं आया। इधर से उनके भाई का कहना था, उन्होंने अपने भाई से कहा भी कि हाथ हिला करके ये कह दो कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, मैं उसको लेकर तौबा कर लो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उसका जो भाई है वो आतंकवादी मारा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो निकल करके आई है कि 2.5 महीने तक जो पिता का कहना है कि कोई कांटेक्ट नहीं हुआ उनके बेटे से, और इसके बाद अचानक कल उनकी जानकारी लगती है कि वो आतंकवादी उसमें जो है लिप्त था, जिसको लेकर के उन्हें बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि वो आतंकवादी में लिप्त है। और इसके साथ ही उनके पिता का कहना है कि हम अपनी बेटी की जनाजा नहीं लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है जो देश हित के लिए नहीं हुआ वो हमारा बेटा नहीं हो सकता है। कैमरामैन वेब पांडे के साथ अश्विनी निगम, कानपुर, समाचार प्लस। एटीएस ने अगर समय रहते आतंकियों के इंडियन नेटवर्क को नस्ते नाबूद ना किया होता तो शायद इसका खामियाजा उत्तर प्रदेश समेत देश के अन्य राज्यों को भी भुगतना पड़ता। आखिर कैसे वाया कानपुर एमपी से यूपी तक को दहलाने का पूरा प्लान तैयार किया गया था, देखिए इस रिपोर्ट। बगदादी का पूरा खुरासान प्लान, एमपी से यूपी तक आतंक का पूरा रोड मैप, आतंक एमपी टू यूपी वाया कानपुर। हिंदुस्तान में हुआ क्लिक, सीरिया में निकला फोटो। जी हां, यूपी एटीएस ने यदि समय रहते खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस के इंडियन नेटवर्क को नेस्तनाबूद नहीं किया होता तो शायद इसका खामियाजा सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश को ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों को भी भुगतना पड़ता। जी हां, आईएसआईएस के इन आतंकियों की साजिश पूरे यूपी को दहलाने की थी। सूत्रों की माने आईएसआईएस इस खुरासान मॉड्यूल के जरिए यूपी के बाराबंकी के एक कस्बे में आने वाली 27 मार्च को बम ब्लास्ट की योजना में था, जिसे भोपाल में हुए ट्रेन ब्लास्ट के बाद नाकाम कर दिया गया। 7 तारीख को, जैसे कि आप जानते हैं, शाजापुर मध्य प्रदेश में भोपाल उज्जैन पैसेंजर में एक आईईडी, एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस लगाकर वहां पर एक ब्लास्ट किया, जिसके कारण कुछ लोग वहां पे इंजर्ड हुए। ये एक लो इंटेंसिटी बॉम्ब था जिसके कारण कुछ लोग इंजर्ड हुए। उसके बाद से लगातार जो सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ और जो मुलजिम गिरफ्तार हुए उसमें 3 व्यक्ति जो यहां रहते थे इनके साथ में, वो वहां पर गिरफ्तार हुए। और गिरफ्तार जो व्यक्ति हुए, जैसे कि आप सब नाम जानते हैं उनके, आतिफ मुजफ्फर, दानिश अख्तर एंड सैयद मीर, ये तीनों लोग वहां पे गिरफ्तार हुए। दरअसल मंगलवार की अहले सुबह भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन के एक जनरल कोच में काला पीपर और सीहोर रेलवे स्टेशन के बीच जबड़ी रेलवे स्टेशन पर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में करीब दर्जन भर लोग जख्मी हो गए। पुलिस जब इस मामले की जांच में जुटी तो उन्हें इस धमाके में आतंकियों के हाथ होने की खबर मिली, और साथ ही इस बात का भी इल्म हुआ कि ये धमाका आईएसआईएस की ओर से देश में किसी बड़े हमले को अंजाम देने के लिए महज एक ट्रायल था। इस बीच एमपी पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिली। इस फुटेज के आधार पर होशंगाबाद जिले के पिपरिया कस्बे से
तीन संदिग्ध को हिरासत में लिया गया और इनसे हुई पूछताछ के आधार पर एमपी एटीएस ने यूपी एटीएस को कुछ आतंकियों के उत्तर प्रदेश में होने की पुख्ता जानकारी दी, जिसके बाद यूपी में कई जगह छापेमारी की गई। इस दौरान कानपुर से दो और इटावा से एक आतंकी फकरे को गिरफ्तार किया गया और इधर लखनऊ में सैफुल्ला के ठिकाने पर एटीएस ने दबिश दी, जहां 11 घंटे चले मुठभेड़ में वो मार गिराया गया। लेकिन इस बीच सुरक्षा एजेंसी और दोनों प्रदेश की एटीएस पुलिस को जांच के दौरान जो तथ्य मिले वो काफी चौंकाने वाले थे। मंगलवार सुबह ग्रुप के कुछ सदस्य वाया लखनऊ भोपाल जंक्शन पहुंचे और वहां भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में आईडी से भरे बैग रखे। आतंकियों ने बैग रखने की सारी तस्वीरें मोबाइल में कैद कर उसे सीरिया में बैठ के अपने आका के पास भेज दिए। आईडी रखने के बाद वे सभी एक बस से होशंगाबाद के पिपरिया के लिए निकल गए और इधर ब्लास्ट के बाद बस से जुड़ी सारी जानकारी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एमपी पुलिस ने तेलंगाना पुलिस को दी, जिससे कि इन सभी को पकड़ा जा सके। लेकिन इस धमाके में शामिल हुए आतंकियों को होशंगाबाद के पिपरिया से ही गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास से इस्लामिक स्टेट लिखा हुआ पाइप बम भी बरामद किया गया। मध्य प्रदेश पुलिस ने सारी इंफॉर्मेशन केंद्रीय एजेंसियों से साझा की और वहां से फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस को मिली। लगातार वहां कार्रवाई जारी है, लेकिन यह सचमुच में सजगता का ही परिणाम है, जिसके कारण लखनऊ में भी जो समाचार आ रहे हैं कि आतंकियों को दबोचने का काम जारी है। तो एक्सप्लोसिव मिला उसमें तो आईएसआईएस का उल्लेख, वी आर इन इंडिया, फिर उन्होंने जो पाइप बम रखा था अपने मोबाइल से उसका फोटो अपलोड करके उसको सीरिया तक भेजने का काम किया। साथ ही ये भी खुलासा हुआ कि भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में बम ब्लास्ट की साजिश कानपुर के जाजमऊ इलाके के रहने वाले सैफुल्ला ने ही रची थी। इसके अलावा गिरफ्तार हुए इन आतंकियों से हुई पूछताछ में ये भी पता चला कि उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में धमाका महज एक ट्रायल था, क्योंकि इन लोगों की प्लानिंग यूपी में एक बड़े हादसे को अंजाम देना था क्योंकि इन लोगों की प्लानिंग यूपी में एक बड़े धमाके को अंजाम देने की थी। लेकिन समस्या ये थी कि चुनाव को लेकर प्रदेश में जारी भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वो यहाँ ट्रायल नहीं कर सकते थे, लिहाजा ये खूंखार आतंकी ट्रायल के लिए एमपी का रुख कर चुके थे। आतंकियों से हुई पूछताछ के मुताबिक इनके निशाने पर बाराबंकी स्थित सूफी संत देवा शरीफ का मजार, लखनऊ का इमाम बाड़ा और शिया मुस्लिम से जुड़े कुछ अन्य जगह थे। तीन व्यक्ति जो यहाँ रहते थे इनके साथ में वो वहां पर गिरफ्तार हुए, और गिरफ्तार जो व्यक्ति हुए, जैसे कि आप सब नाम जानते हैं उनके, आतिफ मुजफ्फर, दानिश अख्तर एंड सैयद मीर, ये तीनों लोग वहां पर गिरफ्तार हुए। जो बाद में जो गिरफ्तार अलग से लोग हुए हैं उसमें फैजल खान, फकरे आलम, ये दोनों और गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा भी अभी और दो व्यक्ति हैं जिनको अभी जिनके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जा रही है। बताया जाता है कि आतंकियों को बम बनाने की ट्रेनिंग इराक और सीरिया में बैठे आईएसआईएस के आतंकियों द्वारा ऑनलाइन दी जा रही थी। इस साजिश में सैफुल्ला के अलावा कानपुर के डीए कॉलोनी निवासी दानिश अख्तर उर्फ जफर, अलीगढ़ के इंदिरा नगर निवासी सैयद वीर हुसैन उर्फ हमजा और कानपुर के जाजमऊ निवासी आतिश मुजफ्फर के अलावा कुछ अन्य सदस्य भी शामिल थे। सैफुल्ला और एक साथी को छोड़ यही तीनों मध्य प्रदेश ब्लास्ट ऑपरेशन में अंजाम देने गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। अब तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में कब कब क्या क्या हुआ है, जरा देखिए। तो लखनऊ में आतंकवादियों से मुठभेड़ की खबर आई। आतंकी हमले के लिए बने आईएसआईएस के एक बड़े मॉड्यूल का खुलासा हुआ। तेलंगाना, केरल, यूपी और एमपी की पुलिस ने मिलकर देश में आईएसआईएस के खिलाफ ये नेटवर्क के खिलाफ जंग छेड़ी। करीब 11 घंटे तक लखनऊ में मुठभेड़ चली। इसके बाद मुठभेड़ में आईएसआईएस का आतंकी सैफुल्ला मारा गया। सैफुल्ला कानपुर का रहने वाला था। हम आपको पूरी कहानी बता रहे हैं। सैफुल्ला के पिता
सरताज खान ने आतंकी बेटे का शव लेने से इनकार कर दिया। मारे गए आतंकी सफुल्ला के ठिकानों से बम बनाने के तरीकों से जुड़ी तमाम सूचनाएं और सामग्री में आईएसआईएस मॉड्यूल का सरगना जीएम खान अभी भी फरार है। लेकिन समाचार प्लस अब आपको बताने वाला है खुरासान मॉड्यूल क्या है, दरअसल ये कैसे काम करता है ये भी समझाएंगे, और आईएसआईएस का ये मॉड्यूल कब हरकत में आया ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जरा देखिए, तहरीके तालिबान के बड़े हिस्से ने मिलकर इस समूह का गठन किया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये सक्रिय नजर आता है। इसके अलावा बगदाद के साथ साथ बांग्लादेश में भी ये समूह आतंकियों को रिक्रूट करता है। भारत में आईएसआईएस से जुड़े आतंकी बांग्लादेश जाकर इस समूह से जुड़ते हैं, या फिर ये आतंकी ऑनलाइन इन्हें ट्रेनिंग देकर भारत में हमलों की साजिश करते हैं। तो सवाल यह है कि यूपी को क्यों आतंक का अड्डा बनाया जा रहा है, क्यों उन शहरों को चुना जा रहा है, क्यों ऐसे युवाओं को निशाना बनाया जा रहा है जो कुछ करने की चाहत रखते हैं, क्यों उन्हें भ्रमित करके आतंकी ऐसी तालीम दी जा रही है जहां ना तो परिवार को खबर लगती है ना ही लोकल इंटेलिजेंस को कि उन्हीं के इलाके में उन्हीं के घरों में आतंकी आकाओं के हुकार गुर्गे ऑनलाइन दहशत का ट्यूशन ले रहे हैं, जो ना तो देश के लिए हुए और ना ही परिवार के हुए, वो भी बिना बाहरी मुल्कों के फंडिंग के। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।